हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सोचोगे कि मैं रोज़ ही यहीं पे वीडियो शूट करती हूँ। तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं वहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि फिर हम वही यही वीडियो बनाते हैं, मॉइस्चराइजर। आई डोंट नो ये अच्छा लग रहा है या नहीं। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ओवर लग रहा है मेरे लिए, पर एक बार रेडी हो जाते फिर देखते कि कैसा लग रहा है। तो गाइस, मैं पहले वही कंसीलर यूज़ करूँगी, कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। तो गाइस, मेरा बेस हो चुका है, मैंने बहुत लाइट सा ही किया है, ज़्यादा नहीं किया, छोटी सी डॉट। तो मैं आईज पे नहीं करती हूँ, अगर जनरली मैं मेकअप को भी करूँ तो। आज गाइस नो ब्लैक फ्राइडे सेल थी ना, तो मैंने उससे बहुत कुछ मंगवा लिया है, और वो जैसे ही आएगा ना मैं आपको हॉल दूँगी। आई नो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अभी लग रहा है या नहीं, बट वो हो जाएगा अपने आप ठीक। एंड आई नो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ गलत लग रहा होगा मेकअप में, बट मुझे इतना ही लगता है ठीक, मतलब मेरे पे। मैं इतना भी नहीं करती थी, बट जब मैंने मेकअप सीखा ना तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ काम चलाने के लिए मेकअप करती हूँ, मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि परफेक्ट होना चाहिए या क्या। ये लिक्विड हाइलाइटर है। तो कुछ ऑर्डर अगर ऑनलाइन में कर देती हूँ ना, मेरे से बिल्कुल वेट नहीं होता, बिल्कुल भी। एक दो चीज़ें तो आ गई हैं, बाकी को आने में टाइम लगेगा, पता नहीं। उसमें 4 to 9 days लिखा है, ये कौन सा हिसाब है भाई 4 to 9। ये लिक्विड हाइलाइटर मैंने लगाया था, तो मैं इसी के ऊपर पाउडर भी लगा रही हूँ, जस्ट टू सेट इट। अब क्या रहता है, सब कुछ ही रहता है, किया ही क्या है। मैं आईज करूँ या नहीं करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्रश मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ। ये ले लेते हैं ये वाला। इसको पता नहीं कोई यूज़ करता नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, दिस वन ठीक है। ये मुझे छोटे साइज के ब्रश यूज़ करना पसंद है, बड़े साइज से मेरे से मतलब हो जाता है, पर मुझे अपने ऊपर इतने साइज का ही ब्रश पसंद है। हाँ कितना क्यूट लग रहा है, बहुत बेसिक है, मतलब कुछ है ही नहीं है आई नो, बट मुझे लिटरली इतना ही पसंद है। सोचो मैं ये मेकअप शादी में करके जा रही हूँ, मैं सिर्फ कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं इतने पास से आके देख रहा है ऐसा कि भाई क्या मेकअप है, सिर्फ करने को कर रही हूँ। हाँ भाई करा हुआ है, मेरे से ये आईज बंद हो जाती है देखो ऐसे करने में, बट मैं ये नहीं खोल, समझ रहे हो मतलब। पता है मेरी ये आईज इस आईज से बहुत डिफरेंट है, तो ये आई ना मेरी ऐसी लिफ्टेड है थोड़ी सी, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस है करने को, पर ये आई नहीं है। मतलब देखो अगर इसको इक्वल करें ना, देखो तो अब ये इक्वल है, ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेस है, क्योंकि ये नहीं है तो यहाँ पे स्पेस नहीं है कुछ करने को, पर यहाँ स्पेस है, तो ऐसा लगता है कि मैंने इक्वल नहीं करा हुआ, बट नो ऐसा नहीं है, मैंने इक्वल करा है जितनी इक्वल हो सकता है। शिमन बताओ क्या करना, वाओ
कितना सुंदर लग रहा है यार, वाओ। देख रहे हो मेरे लिप्स थोड़े रेड हो गए क्योंकि वो प्लम्प हो रहे हैं। चलो गाइस, मैंने पेंग भी डाल दी है। चलो मैं गाइस आपको मैं काम मिलती हूँ। ओके सो गाइज, आई एम ऑल रेडी नाउ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, बट अब जो भी है यही है, आई गेस ठीक है। मैंने ना फिर से वही गलती कर दी कि मैंने डार्क कलर, मतलब वही यू नो यहाँ के लिए ब्राउन यूज़ कर लिया। ब्राउन मेरी आईज़ पे नहीं सूट करता बिल्कुल भी, पर मैंने क्योंकि ज़्यादा नहीं किया तो ठीक लग रहा है। बाकी चलता है, मम्मा का वेट कर रही हूँ मैं, फिर चलता है। हाय गाइस, सो आई एम बैक होम और मैं इतना थक गई हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। दिस प्रिटी मेकअप, बहुत अच्छा मेकअप किया भाई, मतलब पफ लग रहा है, पर वो है नहीं। ओके अब इसको निकालो। मैंने ना इससे ये डैंगली डैंगली सा है, रियली नाइस। और हम वापस आ गए हैं, बहुत अच्छा था, हम सारे बहुत अच्छे लग रहे थे। और वैसे तो मुझे वेडिंग्स पे जाना पसंद नहीं है, बट इट वॉज यू थी सो दैट्स वाई आई केम। ओके तो इसको उतारने का टाइम आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेट्स गो। क्लीन और क्लीन, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं वो हॉल, मुझे मेरे से वेट नहीं हो रहा हॉल करने का, बस जैसे ही सामान आएगा मैं वो हॉल उसी सेकेंड बना दूंगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय। और मैं ज़्यादा वीडियोज या फोटोज वहाँ ले नहीं पाई क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं यू नो करूँ, पर फिर भी मैंने एक दो फोटोज क्लिक कर ली कि बाय।